बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक माइट पी के। सो जेंटलमैन, अगेन बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो भी कुछ होने वाली है, एसेसरीज तो नहीं है, नेसेसिटी है उसके बारे में। यस, दिस इज़ गोइंग टू बी द अबाउट द हेलमेट्स। आप टाइटल देख के तो ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा मैसेज जो हमेशा मैं आपसे कहता होता हूं, रिक्वेस्ट करता होता हूं कि अगर अभी तक आपने बाइक माइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। काफ़ी अरसे से मैंने बाल नहीं कटवाए थे, आज कटवा के आया हूँ। तो अजीब सी एक बात है, मैं करने वाला था कुछ और लेकिन फिर मूड चेंज हो गया। एक्चुअली आई वॉज गोइंग फॉर हेयर पैच, तो फिर बीच में इरादा बदल गया। मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है। हेयर पैच लगाने का भी एक फ़ायदा था कि मेरी तरह जितने भी खूबसूरत लोग हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, उनके लिए भी एक डायरेक्शन हो जाती कि मैंने यहाँ से लगवाया है, इतने में पड़ा है, तो आपके लिए एक गाइडेंस हो जाती। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपके भी सर पर हरियाली हो जाए, तो डू लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या ये लोग ठीक है, डू लेट मी नो। टॉपिक की तरफ आते हैं, काफ़ी ऑफ टॉपिक हमने स्टार्ट किया आज, तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे हाई प्राइस्ड हेलमेट, उसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, फिर देखेंगे मिड रेंजर को और फिर देखेंगे सबसे कम प्राइस वाला। जो आज तीन हेलमेट्स हैं, तीनों आपको दिखाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हेलमेट से। सो गाइस, जो फर्स्ट है हमारे पास हेलमेट SMK, इसको मैं मॉडल भी आपको बताता हूं। पहले थोड़ा सा इसे अनबॉक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम आउट। बड़े आराम से ये आ गया। इसको अभी हम अनबॉक्स करते हैं, लेकिन साथ कुछ और चीज़ें भी हैं इसकी, वो भी देख लेते हैं। ये है SMK कैरन ग्लाइड कैरन, इसको रखते हैं नीचे। यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ इसके स्टिकर्स वगैरह साथ आते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वो आपको इस पाउच में मिल जाती है। फिर हमारे पास एक और पाउच आ जाता है जिसमें हमें कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि आपको एक अदद SMK का हेलमेट मिल, सॉरी हेलमेट तो ये रहा, कीचेन मिल जाता है। फिर SMK का आपको एक स्टिकर मिल जाता है। फिर HPJC, व्हाट इज़ दिस, द फैब्रिक इज, अच्छा फैब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर इसके साथ इनका यूज़र मैनुअल मिल जाता है। इनको हम रखते हैं साइड पे और बढ़ते हैं मेन अट्रैक्शन की जानिब। इसको करते हैं हम अनवेल, और हेलमेट आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन है इसका, बीच में ग्रीन एक्सेंट भी आपको नज़र आ रहा है। और सामने हमारे पास आ जाते हैं एक अदद टिंटेड नहीं है ये, लेकिन काइंड ऑफ इस ना ट्रांसपेरेंट ही है, ट्रांसपेरेंट हमारे पास एक आ जाता है इसका वाइज़र। और फिर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर सनग्लासेस भी आ जाते हैं, शेड्स भी आ जाते हैं। इसका मैं क्लोजअप लुक दिखा देता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, दिस इज़ नॉट सम पेपर वर्क, ये है फॉग रेजिस्टेंट लेंस है ये, जो इसके साथ यहाँ पे वाइज़र पे लग जाता है, जिसकी वजह से फॉग, आप क्लियरली देख पाएंगे फॉग में, और ये फॉग जमेगी नहीं इस पर। तो बढ़ते हैं हेलमेट के क्लोजअप की जानिब और फिर बताते हैं आपको इसकी प्राइस। सो गाइस, ये है एक क्लोजर लुक इसकी, बहुत खूबसूरत हेलमेट है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन ये आप भी मानेंगे देख के कि दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट। गुड लुकिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ठीक है करंट, और पीछे हमें दो वेंट्स मिल जाते हैं, और फ्रंट पे चिन पे भी हमें मिल जाता है एक अदद एयर वेंट, और हेड पे भी ऑफ कोर्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे एयर वेंट्स, ठीक है, पसीना वगैरह नहीं आएगा आपको उसके लिए। अच्छा, सबसे ख़ास बात, अच्छा इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पेपर वर्क निकल आया, पता नहीं इतने पेपर क्यों देते हैं ये लोग। सबसे ख़ास बात जो है इसकी पैडिंग है। अच्छा, ये इसके बारे में कहा जाता है दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल जो इसकी पैडिंग है,
और दूसरी बात यह है कि ये पैडिंग आफ्टर सम टाइम, ऑफ कोर्स गर्मियां होती हैं, पसीना आता है, बदबू होती है, तो ये रीवॉशेबल है, आप इसे निकाल के बड़े आराम से वॉश करके फिर रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अब इतना मतलब प्राइस जब मैं आपको बताऊंगा तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन लोगों ने इसे, ये चूँकि अभी इस शेप में आपके पास फुल फेस है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें हाफ फेस पसंद होता है, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इन टू अ हाफ फेस एज़ वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब हाफ फेस बन गया, ठीक है। वाइजर की ज़रूरत नहीं आपको, रात का वक्त है, आप ठंडी हवा एंजॉय करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप इसे हाफ फेस बना सकते हैं। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ये एक डक्ट है, इसे आप खोलेंगे तो बज़ाहिर इसका कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज़ फॉर ब्लूटूथ। अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस लगाना चाहते हैं तो वो इस जगह पर आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसको वापस लगा देते हैं इसकी जगह पर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहन के भी आपको दिखा देता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि ये पहन के कैसा लगता है, फिर बात करते हैं इसकी प्राइस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहनने का तरीका होता है, ये बज़ाहिर टाइट है, ये आप कहेंगे यार ये तो पूरा ही नहीं आ रहा, मेरे एक कज़न है वो ट्राई करते रहते हैं, कहते हैं ये तो तंग है, तो इसे आप इसे स्ट्रेच करेंगे बाहर की जानेब और फिर बड़े आराम से पहन लेंगे इसे। फुल साइज़ है ये, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पहने हुए कैसा लग रहा है। और अभी सारे हेलमेट में पहनूंगा, आप बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। इसे अब मैं फुल फेस कर लेता हूँ। हाउ अबाउट नाउ? आई होप आपको पसंद आया होगा। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस जो है न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी की जानिब से, दिस इज़ फॉर 16,000 रुपीस ओनली। ओनली पे बड़े लोग कहेंगे वाह 16,000 रुपये ओनली, लेकिन बैंक में ऐसे ही लिखते हैं आप 50 लाख बेशक निकलवाएं, आगे चेक पे लिखते हैं ओनली, तो उस हिसाब से मैंने ओनली कहा है। तो फॉर पीपल, ये जो जितनी भी चीज़ें ये सब की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें पता है कि इनकी यही प्राइसेस होती हैं। तो 16,000 रुपये में यह आपको अवेलेबल है। स्क्रीन पे न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी के नंबर्स मौजूद हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था के तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास इस वक्त। एक तो हाई आ जाती है जो आज के लिए, वैसे तो 24,000 के भी हैं, वैसे ये जो है आज का सबसे महंगा था 16,000 रुपए में। तो अब जो दूसरा देखेंगे ऑफ कोर्स इससे कम कीमत में होगा, कीमत कम होगी, चीज़ ऑलमोस्ट द सेम है, ऑलमोस्ट द सेम है। बाज़ औक़ात होता ही है कि बाटा के डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, होता तो बाटा ही है। तो इसे करते हैं साइड पर, रखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट की जानिब। और ये है हमारे पास, वो था ग्लाइड, और ये है हमारे पास हाइब्रिड ईवो SMK की जानिब से। इसको अनबॉक्स करते हैं, प्राइस इसकी लिल बिट कम है उससे, लिल बिट पे गौर कीजिएगा। ओके, इसको हमने कर दिया अनबॉक्स, बॉक्स का काम तो हो चुका है, इसे हम रखते हैं साइड पे। आ गया ये, इसे अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स तो हो चुका है ऑलरेडी, अनरैप करते हैं, इसे निकालते हैं पोटली से बाहर। डार्क पिच ब्लैक किस्म का इसका मतलब, इस पे और कोई कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है, ब्लैक कलर में है, शाइनी ब्लैक है ये, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। और कुछ लोगों को ब्लैक बहुत पसंद होता है तो दिस इज़ फॉर यू। इसके साथ भी हमें कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, ठीक है। और ये मोटोक्रॉस अगर आप जानते हो तो उस टाइप का ये हेलमेट है, और फुल फेस है, इसमें वो ऑप्शन मौजूद नहीं है आपके पास हाफ फेस करने वाली। और बाकी इसमें हमें क्या चीज़ मिल जाती है, ओके गाइस माय बैड, इसे हाफ फेस आप कर सकते हैं, ये दो नॉब्स हैं, इन्हें खींचेंगे और ये चेन इसकी बाहर आ जाएगी, तो ये बन गया आपका हाफ फेस। तो इसे भी पहन के दिखाता हूँ मैं, सारी चीज़ें वही हैं, इसकी भी पैडिंग आप निकाल के धो सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी, और थिक है, तकरीबन 2.5 इंच मोटी इसकी जो पैडिंग है वो है। ये भी रिवॉशेबल है और इसे आप दोबारा लगा सकते हैं, इसके अंदर भी वही फाइबर यूज़ हुआ है। और पहन के देखते हैं जी,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی ایکسٹرا آپ کو شیڈز مل جاتے ہیں لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ رات کو بھی آپ اسے گلاسز آپ آن کر کے آپ چلا سکتے ہیں. اور ضرور بتائیے گا کہ دونوں میں سے فرسٹ ٹو میں سے آپ کو کون سا ہیلمٹ زیادہ اچھا لگا. تو پرائز کی اگر بات کی جائے تو یہ موٹو کراس کا جو ہمارے پاس ہائبرڈ ہے یہ آپ کو اویلیبل ہے 14,000 روپے میں. آئی گیس لیٹ می کنفرم, اس کے اوپر ہی پرائز لکھی ہوئی ہے. یس 14,000 روپے میں یہ آپ کو اویلیبل ہے. تو اسکرین پہ نمبر موجود ہے, کلوز اپ دکھا دوں. چلیں کلوز اپ دیکھ لیتے ہیں اس کا, اور میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے اس کی چین آن اینڈ آف ہو سکتی ہے. سو گائز, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کافی شائنی قسم کا اس کا کلر ہے, بلیک کلر ہے یہ, اور ایس ایم کے برانڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں پراپر فنیشنگ بہت آؤٹ کلاس ہے اس کی. اور اس کے اوپر بھی یہ جو شیڈ ہے یہ آپ اتار سکتے ہیں. جسٹ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں دو پیچ, آپ ان پیچ اوپر سے اور سائڈ سے ان کو اگر آپ اتار لیں, اتارنا چاہتے ہیں تو یہ اتر بھی جائے گا. اچھا, یہ ابھی تو ہاف فیس کی صورت میں ہے. اب میرے پاس ہے یہاں پہ اس کی چن. چن کو ہم کیسے لگائیں گے؟ چن کو ہم, یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو جگہ اس کی, یہاں پہ فکس کریں گے اسے اور اندر پریس کر دیں گے. لیکن پریس کرنے کے لیے بھی الٹا بگڑا ہوا تھا, اب صحیح ہے. پریس کرنے کے لیے بھی یہاں پہ دو نابس موجود ہیں ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس یس, یہ لگ گیا. اب یہ ہو گیا فل فیس. اب کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے اچھا لگ رہا تھا یا اب لگ رہا ہے؟ ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے, اب اسے ہاف فیس کرنے کے لیے یہ ریڈ آپ کو دو نابس یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی, انہیں پیچھے کھینچنا ہے اور آگے اسے پل کرنا ہے تو یہ چین نکل آئے گی. سمجھ آ گئی؟ باقی پیڈنگ آپ اندر دیکھ لیجئے. جیسا میں نے بتایا تھا بہت زبردست اس میں کپڑا یوز ہوا ہے اور پیڈنگ بہت زبردست ہے, تھک ہے, بہت فرم ہے. ابھی میری فیصل بھائی سے بات ہو رہی تھی تو نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں ہم ان پہ ذرا زور آزمائی کر کے بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنے تکڑے ہیں, کتنے اپنے دعوے پہ پورے اترتے ہیں اور کتنی ایک پروٹیکشن آپ کو مہیا کر سکتے ہیں. سو گائز, اف آئی ٹاک اباؤٹ دا پرائس, یہ آپ کو اویلیبل ہے 14,000 روپے میں. آلریڈی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. تو یس اگین وہی بات, اسکرین پہ نمبر موجود ہے, کال یا واٹس ایپ کر کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارے پاس جو ہیلمٹ ہے اسے ہم کرتے ہیں ان باکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او ہو, بڑا فنکی قسم کا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک ایٹ دس, اس کا کپڑا پہلی یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی پوٹلی کے ساتھ ہی آتا ہے. اس کے ساتھ بھی آپ کو کچھ پیپر ورک مل جاتا ہے. اور کیا ہے جی باکس میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ملتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کس لیے ہوتا لیکن یہ بھی آتا ہے اس کے ساتھ. باکس کو کرتے ہیں ہم سائٹ پہ. اور چیز بہت اچھی ہے جی, ایف ایم وی ایس ایس نمبر 218 سرٹیفائیڈ, جے کے 902 اس کا ماڈل نمبر ہے اور ڈاٹ اپروفڈ ہے. یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, ابھی میں کلوز اپ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ بشیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کلوز اپ میں بھی دکھاؤ, تو دکھاتا ہوں ابھی میں کلوز اپ میں. شارک بنی ہوئی ہے سائٹ پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر بنا ہوا ہے کیا, آکٹوپس ٹائپ کچھ چیز ہے یا ایلین بنا ہوا ہے یا فش ہے؟ ہاں, ایک فش ہے اور پیچھے بڑی فش ہے, اس کا پیچھا کر رہی ہے. اگر آپ اسکرین پہ غور سے دیکھ سکتے ہیں, میں کلوز اپ میں بھی ویسے دکھا دوں گا. چیز بہت اچھی ہے جی اور پرائس بھی اچھی ہے, 7,500 روپے اس کی پرائس ہے. اور یہ میں ایک اور چیز اس میں دیکھ رہا ہوں, ہے تو یہ فل فیس لیکن اسے آپ ہاف فیس بھی بنا سکتے ہیں. جسٹ لک ایٹ دس, تو 7,500 روپے میں یعنی کہ اس سے آدھی پرائس میں یہ آپ کو اویلیبل ہے. ڈاٹ اپروفڈ ہے یہ بھی ایکسل سائز میں. یہ والا جو آئٹم ہے ایکسل میں موجود ہے, یہ میں پہن کے آپ کو دکھاتا ہوں. بسم اللہ. اور مزے کی بات, سب سے آسانی سے یہ سر پہ آیا. ٹھیک ہے, باقی یہ کوئک ریلیز اسٹریپ بھی ہے اس کا, جسٹ ایک پل کریں گے کھل جائے گا, ورنہ یہ اسٹرانگلی ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ والا ہیلمٹ.
साइड से ऐसा कुछ लगेगा, इस साइड से ऐसा, बैक से ऐसा। क्विक रिलीज, खुल गया। ओके, पैडिंग अंदर भी ज़बरदस्त है जी, वही सेम आइटम है ये। जेकाई, जेकाई का जी ये हेलमेट है। क्लोजअप इसका देखते हैं, प्राइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 7500 रुपये प्राइस है इसकी। ज़रा बशीर साहब की सुनते हैं और क्लोजअप देखते हैं इसका। सो गाइस, ये है क्लोजअप और ये आप मुझे बताएं ये क्या सीन हो रहा है। ये छोटी मछली आगे जा रही है, ये भी गुस्से में, पीछे शार्क है इसकी, तो वो आई थिंक इसे खाना चाह रही है। ये गुस्से में क्यों है, डरी भी नहीं है, पता नहीं क्यों। साइड से ऐसी है, शार्क यहाँ पे भी नज़र आ रही है आपको, छोटी छोटी मछलियों के पीछे जा रही है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ मरीन थीम पे बनी हुई है, मरीन लाइफ पे। पीछे डॉट अप्रूव्ड है ये, आप देख सकते हैं, और पीछे भी दो इवेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ फंकी से इन्होंने दिए हुए, यहाँ पे भी इन्हें आप ऑन एंड ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सर्दियाँ तो ऑफ़ कोर्स आप ऑफ ही करेंगे, और फिर चिन पे भी दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, वेंट्स ओपन वेंट्स क्लोज। और फिर जैसा कि मैं बता रहा था, ये हाफ फेस भी बन जाता है, हाफ फेस बन के ऐसा लगेगा। और इसमें हमें एक अदद ग्लासेस भी मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इवन आपने इसे हाफ फेस भी किया हुआ तब भी आपको सेपरेट ग्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही आपको मिल जाती हैं। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। हमारे पास तीन हेलमेट्स थे जिनकी प्राइस शुरू हुई 16,000, 14,000 और 750 रुपये, 7,500 रुपये। थैंक्स फॉर करेक्शन, लोग फ़ोन कर रहे हो 750 वाला हेलमेट भेजो, 7,500 रुपये प्राइस है इसकी। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर अ लेजेंड, यू नो दैट राइट, वरना इतना टाइम कोई किसी को भी नहीं देता। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने बाइक माइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक हमें जो मूजी मर्स फैला हुआ है पाकिस्तान में उनके लिए भी दुआ कीजिए, और हम सबको भी इस अजाब से दूर रखे, इस बीमारी से हमारे घर वालों को भी महफूज रखे अल्लाह पाक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।